अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुड मॉर्निंग, दिस इज़ योर इंग्लिश पीरियड। रेज़ योर हैंड्स फॉर दुआ, इल्म इज़ाफ़े की दुआ। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ऐ मेरे रब मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा, आमीन। सो स्टूडेंट्स, ओपन योर इंग्लिश टेक्स्ट बुक। और इंग्लिश की टेक्स्ट बुक में हमने पेज नंबर 17 से रीडिंग स्टार्ट करनी है। सो लुक एट हियर, द लेटर इज एम एंड साउंड इज म। द लेटर इज एम एंड द साउंड इज म। मॉस्क, मिल्क, मैन, मोटरसाइकिल, मैंगो, मून। कम टू द नेक्स्ट लेटर इज एन एंड साउंड इज म। Letter is N, sound is N. Net, newspaper, nail, nose, nest, nail clipper. The letter is O and sound is O. The letter is O and sound is O. Orange, olives, owl, octopus, ox, ostrich. The letter is P and sound is P. The letter is P, sound is P. Peaches, parrot, panda, paint, pineapple, pigeon. Then after page 20, page number 20 के बाद हमने ये पेजेस स्किप करने हैं इस वक्त, क्योंकि हम इस वक्त लेटर्स की रीडिंग कर रहे हैं। देन ओपन पेज 31, साउंड क्वा। लेटर इज क्यू, साउंड इज क्वा। कुरान, क्विल, क्वेल, क्वीन, क्वेल्ट, क्यू। लेटर इज आर, साउंड इज र। रेनबो, रोज, रैबिट, रोबोट, रेन, रैट। लेटर इज एस, साउंड इज सन, सॉक्स, स्ट्रॉबेरी, सॉ, सिजर, स्टार। लेटर इज टी, साउंड इज ट। टाइगर, ट्री, ट्रेन, टैक्सी, टोमेटो, टर्टल। सो स्टूडेंट, पेज नंबर 34 तक, टी साउंड तक हमने रीडिंग करनी है, ठीक है। देन क्लोज योर बुक, ओपन योर इंग्लिश वर्क बुक, पेज नंबर 34। पेज नंबर 34 पे अगेन हमने आज कैपिटल एंड स्मॉल लेटर्स करने हैं, बट बिफोर दैट वी आर गोइंग टू राइट द डेट। टुडे इज 27th ऑफ जनवरी 2021 एंड टुडे इज वेडनेसडे एंड योर सिक्स वीक इज गोइंग ऑन। सो स्टूडेंट्स, राइट द लेटर एम 1, 2, 3, 4। अपर थ्री लाइन में, फर्स्ट थ्री लाइन में हमने एम राइट करना है। पहले राइट द एम एंड देन टू लाइन्स में, मिडिल लाइन्स में हमने साउंड राइट करनी है। फाइन, देन कम टू द लेटर एन। ऊपर की थ्री लाइन्स में ही एन राइट होगा एंड मिडिल टू लाइन्स में राइट होगा। लेटर इज एन, साउंड इज न। देन ऊपर की फर्स्ट थ्री लाइन्स में हमने ओ राइट करना है। लेटर इज ओ, साउंड इज ओ, और साउंड ओ हमने मिडिल टू लाइन्स में राइट करना है। देन लेटर इज पी, फर्स्ट थ्री लाइन्स में राइट करना है एंड साउंड इज प, लास्ट थ्री लाइन में हमने प राइट करना है। एज इट इज इसी पैटर्न से हमने थ्री लाइन्स में भी राइट करना है। देन लुक एट हेयर, नीचे देखें, अहमद इज शॉपिंग।
अहमद क्या कर रहा है? शॉपिंग कर रहा है। कैन यू हेल्प अहमद इन बाइंग ऑरेंजेस, पीचेस, मैंगोज एंड न्यूज़पेपर? क्या आप अहमद की हेल्प कर सकते हैं उसको ख़रीदने के लिए? उसे क्या क्या ख़रीदने हैं? ऑरेंज, प पीचेस, मैंगोज एंड न्यूज़पेपर। ठीक है, सो हम उसकी हेल्प कैसे कर सकते हैं? हम उसकी जो ये है ट्रॉली, इसको मैच कर सकते हैं उस आइटम से। सो फर्स्ट हम ऑरेंजेस से मैच कर रहे हैं, उसके बाद हम न्यूज़पेपर से करेंगे मैच, उसके बाद हम पीचेस से मैच करेंगे, एंड देन आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू मैच विद द मैंगोस। ठीक है, तो हमने अहमद की हेल्प कर दी है उसकी ट्रॉली में रखने के लिए। नाउ कम टू दिस पार्ट, राइट ऑल्सो डेट एंड टेक द करेक्ट डे हेयर। विच लेटर इज दिस? क्यू। फर्स्ट थ्री लाइन में हमने क्यू राइट करना है एंड साउंड इज क्वा, और नीचे की थ्री लाइंस में हमने क्वा राइट करना है। लेटर इज क्यू, साउंड इज क्वा। फर्स्ट थ्री लाइन में द लेटर इज आर, आर राइट करना है एंड साउंड इज अर। मिडिल टू लाइंस में हमने अर राइट करना है। नाउ फर्स्ट थ्री लाइन में हमने स राइट करना है, द लेटर इज एस और द साउंड इज स। मिडिल टू लाइंस में हमने स राइट करना है। ठीक है, नाउ कम टू द टी, द लेटर इज टी। फर्स्ट थ्री लाइन में हमने टी को राइट किया और फर्स्ट थ्री लाइन में हमने लेटर टो को राइट किया और अब साउंड टो। लेटर इज टी, साउंड इज टो। एंड नर्सरी क्लास इसी पैटर्न से हमने नीचे फॉलो करना है। देन लुक एट हेयर, रिजवान डिसाइड्स टू डू वन गुड डीड्स एवरी वीक। रिजवान ने क्या डिसाइड किया है कि वो हर वीक में एक अच्छा काम करेगा। ठीक है, हर वीक में वो क्या करेगा? एक अच्छा काम करेगा। हेल्प हिम शेयर अ क्वर्ल्ड विद द नीडी बॉय बाय कलरिंग द क्वर्ल्ड। और उसने क्या सोचा? उसने सोचा कि हाँ, कि वो एक नीडी बॉय को जिसको ज़रूरत हो उसको क्वा क्वर्ल्ड देगा। क्या देगा? क्वा क्वर्ल्ड। ये है क्वा क्वर्ल्ड। और आपको पता है कि विंटर्स चल रही हैं तो हमें सर्दी लगती है ना। सो नीडी बॉय के पास क्वेल्ट नहीं है, उसको सर्दी लगती है रात में जब वो सोता है। तो रिजवान ने क्या करा है? एक अच्छा काम करना है उसने, उसकी हेल्प करनी है। सो ये क्वेल्ट वो किसको दे रहा है? नीडी बॉय को दे रहा है। ये है नीडी बॉय और ये है रिजवान। तो रिजवान ने उसको देने के लिए क्या बोला? वह ईया का। ठीक है, फिर उस नीडी बॉय ने उसको जजाकल्ला कहा। ठीक है, जब भी हमें कोई चीज़ गिफ्ट देता है तो हमें उसको क्या कहना चाहिए? जज़ाकअल्लाह। जब भी कोई हमारी हेल्प करता है तो हमें उसको रिप्लाई में, उसको जवाब में क्या बोलना चाहिए? जज़ाकअल्लाह बोलना चाहिए। ठीक है, सो स्टूडेंट दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़। टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।